ये हो गया। अगला टॉपिक क्या है हमारा? कर्व डाटा ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है तो ये जो है तो अलाइनमेंट के साथ जो है तो कर्व डाटा जो है तो लिखेंगे। और किधर जाएं जी, A09 में कर्व डाटा प्लान की फाइल चलते हैं। ओपन फाइटर है ना, A09 में ये जी कर्व डाटा प्लान, तो ये भी जो है तो बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है। आप देखा होगा कि प्लान प्रोफाइल की शीटों में जो है तो जितने भी PI पॉइंट होते हैं तो उसके साथ जो है तो वो डबियाँ डबियाँ सी बनी होती हैं, और वो जिसमें जो है तो कर्व डाटा लिखा होता है, तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी मदद से जो है तो साइट के ऊपर हमारे सर्वेयर जो हैं या वो जो कैलकुलेशंस करें तो वो फिर मौके के ऊपर जो भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन क्या होती है कि कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, तो उस कर्व डाटा की मदद से जो है तो मुख्तलिफ ऑफसेट्स के ऊपर फिर वो कोऑर्डिनेट निकालते हैं ताकि लेआउट किया जाए रोड को जो है तो उसके लेफ्ट राइट को जो है तो लेआउट किया जाए। तो अभी क्योंकि हम यानी हर चीज़ पहले ही जो है तो बीच में डाल के दे देते हैं, ड्राइंग के अंदर ही शामिल कर देते हैं जो भी कोऑर्डिनेट चाहिए हो या जिस किस्म का भी डाटा हो, तो इसलिए उस लिहाज से तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने जो है तो डिज़ाइन को रिव्यू करना है, मतलब किसी इंजीनियर के पास चले गए ना, वो देखना चाहता है कि यानी उसको जो है तो रिव्यू करना है, तो उसके लिए फिर ये कर्व डाटा जो है तो चाहिए होता है कि वो एक एक कर्व का, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल के लिए नीचे दिया था सब कुछ प्रोफाइल में, ऐसे ही जो है तो प्लान पे भी हम सारी बातें जो है खोल के रख देंगे। तो ये पूरा टॉपिक है, नेक्स्ट में चलते हैं और ये लोड में आते हैं। लोड में आके हम यहाँ से प्लान विंडोज ले लेते हैं, प्लान विंडोज और आल, ठीक है। ये जो है तो सारी प्लान विंडोज ले लें, हमारी पहली विंडो आ गई। डिज़ाइन टूल में आते हैं और ये यूटिलिटीज़ में ये टेबल्स का ऑप्शन है, तो इसके ज़रिए हम यूनिट जनरली भी टेबल्स जो हैं तो बना सकते हैं और इस तरह भी जो हैं तो इसके ऊपर भी टेबल्स हैं तो बना सकते हैं। तो किधर ही है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और ये भी कर्व डाटा ऑन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। कहते हैं कि प्लान विंडो को सिलेक्ट करें, ठीक है ना जी। ये जो है तो ग्रीन वाय एक्सेल में चले जाएं और ये टेबल्स ऑन प्लान एक्सेल एस की फाइल खोल लें। ये टेबल्स ऑन प्लान, तो ये टेबल कैसे जनरेट होता है, ये अगर आपको याद हो तो ये पेस्ट डाटा में हम आए थे और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पेस्ट HA में हम आए थे, सिलेक्ट अलाइनमेंट। यहाँ से हमने वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन प्रोफाइल के ऊपर लिखवाई थी, अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें यहाँ पे दो बटन हैं, सेव हॉरिजॉन्टल डाटा फॉर प्लान एंड सेव हॉरिजॉन्टल डाटा फॉर जो है तो टेबल। तो प्लान पे अगर हम करना चाहें तो उसमें क्या फ़र्क है, और ये टेबल पे अगर हम करना चाहें तो वो कैसा होता है, ये देख लेते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। अरे मेरे ख्याल से ये आगे तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये PI स्टेशन होते हैं और फिर ईस्टिंग नॉर्विंग आ जाता है और फिर डिफ्लेक्शन एंगल आ जाता है, और उसमें जो है तो एक वो ज़्यादा है, उसमें जो है तो ये PI स्टेशन के साथ जो है तो PC और PTRD भी आ जाती है, और ये डिस्टेंस भी, डिस्टेंस उसमें था, ठीक है ना। इसमें सिंपल आ जाता है ना, PI स्टेशन, ईस्टिंग नॉर्विंग और एंगल, और आगे जो भी है टेंजेंट लेंथ, रेडियस, लेंथ ऑफ कर्व, और ई से क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, और ये जो है तो इसमें तीन कॉलम नहीं होते, और इसमें जो है तो आमतौर पर ये जो है तो ये तीन कॉलम एडिशनल भी रखे जाते हैं, कौन से, ये PC PTRD और जो है तो डिस्टेंस, ये भी जो है तो रखा जाता है। तो अभी हमने कौन सा जनरेट किया है, वो वाला जिसमें कि
यानी वो नहीं है, वो इसलिए इस पे नहीं रखे जाते कि वो फिर बहुत ज़्यादा फील्ड हो जाएंगे। प्लान के ऊपर जो है तो वो नहीं, मल्टीपल यानी तीन कॉलम मजीद आ जाएंगे तो फिर उसके लिए भी जो है तो जगह चाहिए। तो अगर ड्राइंग कंजस्टेड हो, भरी हुई हो, तो फिर वो जगह बनाना उसके लिए जो है मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसी पे जो है तो गुजारा करते हैं। अच्छा, उसमें जब ये फाइल जनरेट करते हैं आपके लिए, ये ऑन टेप ऑन प्लान की बात हम कर रहे हैं ना, जनरेट, तो इसमें जो है तो ये चीज़ लिखी हुई है, ये स्पीड लिखी हुई है, ये खुद ही जो है तो वो लिख लेता है कि भाई सबकी स्पीड 60 है और सुपर एलिवेशन क्या है 8% है। इसको जो है तो रिप्लेस करना होगा, किससे रिप्लेस करना होगा, और जब हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लगाई थी ना तो वहाँ पे एक टेबल बनाया था, सुपर एलिवेशन के दो टेबल बनाए थे, एक में हमारी सुपर एलिवेशन की सारी कैलकुलेशन थी जिसमें फार्मूले वगैरह लगे हुए थे, और एक में जो है तो सिंपल रेडियस था और क्या था उसका ग्रेडियंट था, सुपर एलिवेशन की वैल्यू थी और जो है तो स्पीड थी। कहाँ पे था वो, यहाँ से निकलते हैं, ये अलाइनमेंट, ये ड्रा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और इधर आएंगे ये इधर तो ये था, एक था सेव हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरा था सेव टेबल। तो ये सेव हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमने किया था तो वो ऐसी कैलेक्स नाम का एक टेबल बना था जिसमें तमाम वो यानी क्रॉस स्लोप्स भी दी गई थी और ट्रांजिशन ऑन कर्व और आरडी और वो पूरा लंबा जो है तो कॉलम दिया गया था, और एक सिंपल टेबल था सेव टेबल। तो जब आप वो सेव टेबल करते हैं तो उसमें से फिर वो दो कॉलम उठा के यहाँ पे जो है तो लगा दें, यानी हर एक पीआई का जो है तो अपना अपना कॉलम होगा, उधर से उठा के जो है तो ये पेस्ट कर दें तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा, ये फॉर्म में मिल जाएगा। क्या जी, ये स्पीड हो गई और आगे जो है तो उसकी क्या सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगी। ठीक है जी, वही नहीं लगा देना जो कि ये जनरेट करेगा, वो तो उसने तो खाली वो खाना फिल कर दी है, बाकी उसको रिप्लेस करके जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी वो जो है तो यहाँ पे पेस्ट कर दी जाए। बाकी इसके ऊपर जो है तो ये टाइटल है, इनको भी ज़रा ठीक करके जो है तो ये लिख लेना चाहिए। इधर से हम आते हैं और ये कहाँ तक, ये शिफ्ट दबा के ये सारा सिलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं ये डिज़ाइन टूल और ये यूटिलिटीज और ये टेबल्स में चलते हैं। ठीक, ये लोड पीछे गेट किया हुआ है और लोड किया हुआ है, तो ये अपने टाइटल भी जो पहली रो होती है ना उसको जो है तो ऐसा टाइटल ले आता है, तो जो भी वहाँ पे टाइटल थे वो जो है तो यहाँ पे टाइटल आ गए और हर एक की जो है तो विथ आ गई। ठीक है, पहले जो है तो सिंपल जो है तो ड्रा करते हैं ना ताकि पता लगे कि इससे होता क्या है। अच्छा जी, ये इसने कह दिया कि टोटल रोज़ कितनी आपने लोड किए हैं, 31। ठीक है, ये वो पहली उसने वो कर दिया ना, वो तो टाइटलिंग की रो थी उसको जो है तो हटा दिया, और ये जो है तो हमारी टोटल 31 जो है तो रोज जो है लोडेड हैं। अच्छा जी, और स्टार्टिंग नंबर क्या है, एक है, एंडिंग नंबर क्या है, 5 है, यानी हम जो है तो 5-5 रोज का जो है तो एक एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर जो टेबल बनेंगे उनके दरमियान में गैप भी दे देते हैं। जो टाइटल रो होगी उसकी हाइट 16 है और जो टाइटल कि टेक्स्ट की हाइट होगी वो 4 है, और जो रो की हाइट होगी वो 8 है, और जो रो की टेक्स्ट होगी उसकी हाइट जो है तो कितनी है, 3 है। ये यहाँ पे जो है तो कुछ पैरामीटर दे देते हैं। आगे आते हैं, हम कहते हैं कि फ्लो क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इसको कहते हैं यूज़ टाइटल टेक्स्ट। ये जी ड्रा टेबल, कहते हैं कि पिक स्टार्टिंग पॉइंट, ये जी पॉइंट पिक किया तो ये इसने ये कर दिया, जैसे क्यों किया, वो हमने प्लान विंडो ली हुई है ना, तो प्लान विंडो लेने से जो है तो ये यूसीएस घुमा हुआ है, कैंसिल है ना, ये जी ये आ जाते हैं, ये आ गया। तो ये वो थी, ये क्या थी जी, ये जो टाइटल रो है उसकी हाइट कितनी हो गई, ये 16 हो गई, और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई है नीले रंग में वो क्या होगी, उसकी हाइट जो है तो 4 होगी, और जो आपकी बकाया रोज बनती हैं वो कितनी है, वो जो है तो हरे की हाइट 8 है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसकी हाइट कितनी है, 3 है, ये जो है तो यहाँ आ गई। अच्छा, स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1, और एंडिंग नंबर क्या है, ये 5। ठीक, और जो है तो टेबल गैप 5, वो इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ कि हमने यहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन ऑन नहीं किया था। अगर ये मल्टीपल ऑन करके आप जो है तो हम करते थे, यहाँ पे मैंने टाइटल ब्लॉक नहीं लिया बल्कि ये टाइटल ली हुई डायरेक्ट ले लिए, ये ड्रा टेबल
अब ये लेते हैं तो ये देखें, ये उसने हर किए हैं तो अपने अपने, तो ये वो टाइटल, ये टेबल के दरमियान जो गैप है वो क्या है, इस जगह ये जो है तो 5 आ रहे हैं ये जी, वो काली स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, जब सफ़ेद कागज़ पे आएगा तो ठहर जाए तो दिखाई देगा, वो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। ये जो है तो ये अपनी अलग लेयर में है, देखें टेबल टाइटल टेक्स्ट है, इसमें से कितनी इसकी लेयरें बनती हैं, ये अगर आप इधर आए ना टेबल की टेबल लाइंस, और ये टेबल बी क्या है, ये ग्रीन बॉर्डर टेबल लाइंस का बॉर्डर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये टेबल टेक्स्ट है, टाइटल टेक्स्ट है, और इसमें वाइप आउट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये इसमें बनेंगी, वो एजुकेशनल वर्जन में जो है तो ये नहीं है, ठीक है जी, ये बाद में जो है तो ये सारी अपग्रेडेशन हुई है। तो इसमें आप देखें ये जो आप क्या आए हुए ना, ये क्या है कॉलम की विथ है, ये जो है तो सबकी 20-20 है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो 20 है, तो इसलिए हम इसको जो है तो ज़्यादा कर देते हैं, इसको जो है तो 40 कर देते हैं, इसे भी जो है तो 40 कर देते हैं, और नाजिंग अच्छा वो तो पे स्टेशन हो गए ना, नहीं नाजिंग भी ज़्यादा होता है, ये 40 कर देते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल ये तो और ज़्यादा होता है, ये क्या हो गया जी, ये 80 हो गया मल्टी, तो इससे पहले मैं मल्टीपल ऑफ कर देता हूँ और अपनी सेटिंग्स को देखता हूँ कि कैसे आ रही हैं, तो अब ज़्यादा बेहतर हो गया जी, हाँ ठीक है ना कि ईस्टिंग नाजिंग, वो फिर अब आपकी वो है ना कि सब आप जीतते हैं कि आप इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और ये जो है तो ये इसका डिफ्लेक्शन एंगल आ गया, ये जो है तो बहुत वो अहम चीज़ होती है, अभी पीछे भी हमने वो अलाइनमेंट लगाई थी, तो कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल दें, तो डिफ्लेक्शन एंगल से क्या मुराद होता है कि आपकी अलाइनमेंट किस तरह टर्न हो रही है, यानी कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी आप जैसे केनाल है ना तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वो एनर्जी मालूम करनी थी कि टोटल एंगल कितने बनेंगे, यानी कितनी डिफ्लेक्शन होगी पानी के अंदर जो है, या क्योंकि और भी यानी तो जी ये जो है ना इसमें कुछ वो नहीं, वो तो सिंपल पॉली लाइन है, ना 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 उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हैं तो करें, नहीं नहीं आप फोन बंद कर दें, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल को अगर मैं 60 कर दूँ, 60 कर देता हूँ ना, और फिर मैं ड्रा करता हूँ तो ये जो है तो ये ज़्यादा जो है तो बेहतर बन जाएगा, ठीक है ना जी, और मल्टीपल को जब हम ऑन करते हैं, अभी ये वर्टिकल था ना, और जब ये मैं मल्टीपल लूँगा तो फिर ये आ जाएंगे सारे, और ये किस उसमें आ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना, ये जो है तो इनके दरमियान में क्या आ गया, ये जो है तो गैप आ गया, तो ये तो अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ गए, अगर जो है तो हम कहें कि यूज़ टाइटल ब्लॉक, और फिर मैं जो है तो इसके लिए ले लूँ, इसमें इस ड्राइंग में ब्लॉक होगा कहीं, ये प्लान हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टाइटल, ये जो है तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का टेबल है, ठीक है, ब्लॉक लेंगे तो फिर ब्लॉक का नाम भी उसे बताएंगे, अब जिससे मैं ये कहता हूँ दिस, तो अब उसने क्या कर लिया, वो ब्लॉक ले लिया, अब जो आपने सेटिंग की हुई है तो फिर ब्लॉक को उसके हिसाब से बनाएंगे, यानी जो आपने रो हाइट रखी हुई है या जो भी वो रखी हुई है, तो ये फिर हावी की जो है तो इससे, यानी जो विथ है कॉलम की, ये भी जो है तो फिर ब्लॉक के अंदर जो है तो उस हिसाब से, यानी ब्लॉक इंसर्ट करके इसको एक्सप्लोर कर लें, फिर इसको एडजस्ट कर लें, फिर दोबारा इसका ब्लॉक बना दें, तो वो जो है तो आपकी उसके मुताबिक जो है तो आ जाएगा, किधर है पिस्ता, ये स्टेशन है, ठीक है, तो ये आ गए, अब जो है तो अच्छा, ये जो आप इतनी मेहनत करेंगे और ये इतनी सेटिंग वगैरह करेंगे, अभी तो हमने किसी चीज़ को वो नहीं किया ना, ठीक है, अभी तो फिर जब आप एडजस्ट करेंगे तो
अच्छा इसमें जो है तो ये देखें कि ग्रीन, अच्छा ये तो बॉर्डर हो गया ना, इसमें जो है तो ये एक ऑप्शन होता है वाइप आउट, क्योंकि जब ये टेबल लगते हैं तो और प्लान के अंदर तो कंटूर और भी चीज़ें होती हैं ना, तो वो फिर जगह नहीं होती, तो वो कुछ हिस्सा कंटूर का या प्लान का इस टेबल के नीचे भी आ जाता है या टेबल उसके ऊपर आ जाता है, तो नीचे से वो नज़र आते हैं। तो अगर इसको जो है तो आप ऑन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वो इसके साथ जो है तो वाइप आउट ऑब्जेक्ट भी लग जाएगा, ठीक है, तो वो नीचे के जो वो हैं वो सारे जो हैं तो वो ऑफ हो जाएंगे। फिर जो है तो इसमें अगर आप शीट्स का ऑप्शन भी ऑन कर रहे हैं तो इसमें जो है तो क्या बन जाएगी, ये साथ में जो है तो वो शीट्स भी जो है तो बन जाएंगी। ये शीट्स आपके किस काम आएंगी, ये फिर आप जो हैं तो यहाँ से आते हैं सेक्शन शीट्स मेरे ख्याल से होती हैं, सिलेक्ट ये ले लें तो ये ले लें, ठीक, ये जो है तो आपकी सेक्शन जो है तो शीट्स बन गई। यानी आप जो है तो अलग अलग लेआउट में भी जा सकते हैं, वहाँ से जो है तो पेज सेटअप करके हर एक अलग अलग PDF पे जो है तो प्रिंट भी जो है तो कर सकते हैं। तो ये टेबल्स के अंदर जो है तो ये आप इतनी सारी सेटिंग सेव भी कर सकते हैं और साथ में उसको क्या कर सकते हैं, लोड भी जो है तो कर सकते हैं। आप इसमें जो है तो ये एक ऑप्शन है, अभी हमें तो यानी इसके ऊपर लगाने हैं ना ये वाले डब्बे, तो अभी ये अलाइनमेंट हमने सिलेक्ट कर ली, किधर गई जी, अभी हम अलाइनमेंट के अलॉन्ग इनको कैसे प्लाट करेंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल था, एक वर्टिकल था और एक क्या था, अलॉन्ग दी अलाइनमेंट, और हर एक अपने अपने जो है तो उसके अंदर आएगा। हाँ ये अलाइनमेंट सिलेक्ट कर ली, ठीक है, एट टॉप मिडल पोजिशन ये मैं ले लेता हूँ, स्टार्टिंग नंबर जो है तो 1 है, प्लान विंडोज, ठीक है, कहते हैं कि हाँ इधर लेफ्ट बॉक्स में जो है तो नहीं है, ये जी प्लान विंडो नहीं है, और ये भी हाल कर दी, वो असल में वो बीच में एक वो आया हुआ है ना, ये दो आए हुए हैं ये वाले, इस वजह से इन दोनों की आईडी सेम थी तो डुप्लीकेट ले लिया। अच्छा जी प्लान विंडो सिलेक्ट लिस्ट बॉक्स आइटम सबको ले लेते हैं, चले एक को ले लेते हैं प्लान विंडो, तो ये इसने क्या कर दिया जी, ये अलाइनमेंट के ऊपर ये सारा ले आए हैं, ठीक है, तो वो अब देखें वो हमने पीछे वो वाइप आउट ऑन किया हुआ था ना, तो वो नीचे जो अलाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं तो वो जो हैं तो छुप गई हैं, और हाँ तो ये इसको जो है तो हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्यों ज़्यादा हो गई है, डिफ्लेक्शन 60-60, टाइटल ब्लॉक नहीं है ना, टाइटल टेक्स्ट है, और ये डिफ्लेक्शन का ज़्यादा आ रहे हैं ना, नहीं ये तो 40 ज़्यादा क्यों हो गया, ये तो इतना ज़्यादा नहीं, नहीं अभी तो हमने इधर बनाए हुए ना ये इतना आ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा आ रहा है जी, लेकिन इधर भी वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ देखें तो जी क्या है ना, आसान करते हैं ना, ये हमने ये कर लिया, ठीक है, अच्छा ऐसे अलाइनमेंट टेबल गो टू टेबल यहाँ से ये सारा डाटा लोड कर लिया, तो इसके लिए हमारे पास जो है तो टेबल जान प्लान सेटअप 1000 स्केल नाम की CSV फाइल बनी हुई है पहले से, इस ड्राइंग की बात कर रहे हैं ना, लोड ये अलाइनमेंट फिनिशिंग अलाइनमेंट टेबल ऑन प्लान ये आ गई, ये जो है तो इसकी सेटिंग ये आ रही हैं जी, हाँ ये अब आ गया ना डेटा, ये 31 हो गया ना,
किराया बैग जी ड्रा टेबल, तो ये आ गया ठीक है इसके मुताबिक जो है। तो अब क्योंकि उसमें सेटिंग सारी इसके मुताबिक हुई हुई है ना, तो देखें वो जो टाइटल ब्लॉक है यानी ये प्लान टेबल होना चाहिए, ये होना चाहिए हर चीज़ है, तो इसके मुताबिक आ गई। तो ये जी अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये इधर आ गई, लेकिन इसमें ये एक चीज़ आ रही है कि ये जो ये है ये समय ये बॉर्डर शीट है ना, ये आगे आ रही है तो ये अलग से आ रही है, दोनों को इरेज करते हैं एक मिनट, तो बॉर्डर शीट ख़त्म कर देते हैं ठीक, बंद कर देते हैं उसे, सही आ गया। तो ये इस प्लान के ऊपर जब आते हैं ना तो ये फिर इसका बेस पॉइंट इसके मिड पे आ जाता है आम तौर पे, अगर ये मैं इसको ख़त्म कर दूँ ना, ये तो हम प्लान पे शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर शीट की क्या ज़रूरत है, अगर मैं ये कर दूँ तो ये इस कोने में आएगा ठीक है, और जो स्टार्टिंग वो होता है ना उसका जो है तो कॉर्नर में आ जाता है, लेकिन जब ये बहुत से हों 300-400 और सारे कोने में हों, फिर आपने बाद में सबको मिड पे ला के रखना हो तो वो मैनुअली फिर अच्छी खासी जो है तो एक्स्ट्रा जो है तो वो फिटिंग हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ ये देखें वो आया था, तो इसको हम जो है तो ये ले लेते हैं। तो अब इसमें आप देखें यानी हर एक उसके अंदर विंडो के अंदर जितने पी आई पॉइंट आते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम कितने पी आई पॉइंट आए इधर नंबर में लिखा हुआ ना, यानी जितने इसके पी आई पॉइंट आते हैं उतने जो हैं तो वो लेगा, और वो वाइप आउट भी जो है तो उसने कर दी है। ये जो आ रहे हैं और बाद में जो है तो इनको आप ख़त्म हर एक को जो है तो फिर आप जो है तो एडजस्ट कर लें, ये भी जो है तो यानी हर एक प्लान विंडो के अंदर जितने पी आई पॉइंट आते हैं तो ये टेबल में सिर्फ उतने ही जो है तो लिखे जाते हैं, यानी आपको जो है तो यानी मैनुअली वो नहीं करना पड़ेगा, और ये भी अपने एंगल में जिस तरह और चीज़ें प्लान विंडो के एंगल में लिखी जाती हैं वैसे ही ये भी जो है तो ये अपने एंगल में जो है तो लिखा जाएगा। ये वो पुरानी टेक्स्ट है जो इसके ऊपर जो है तो लिखी हुई थी ऐसे जो है तो इधर आप जब आके देखेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो है तो लिखा हुआ है, ये दो थे तो वो एक अपने उसमें आ गया, दूसरा जो है तो अपने उसमें आ गया, और ये जो है तो आपको क्या था पहला था, तो ये चीज़ इसने दी है ठीक है। ये अब मैंने तो काफ़ी उससे वो सेटिंग करके रखी हुई थी ना इस रैंक के मुताबिक, तो अलाइनमेंट पे आएंगे प्लान विंडो स्टार्टिंग पी आई नंबर, तो ये चीज़ें हैं तो इधर लग जाएगी, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी।